हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलोर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जिस क्वेश्चन को आप विदाउट पेन और पेपर में और कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करके आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो मेरा पार्ट टू है। इससे पहले अगर आप पार्ट वन नहीं देखे तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन को पार्ट वन में बताया था, तो उस वीडियो का आप जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर इज। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन। अब देखिए, यहाँ पर ए का मान जीरो लेंगे और बी का मान टू लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जीरो जीरो लेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ए का मान ले लीजिए वन और बी का मान ले लीजिए वन, तब देखिए वन प्लस वन इक्वल टू टू हो रहा है। तो अगर ए इक्वल टू वन लेंगे एंड बी इक्वल टू वन लेंगे, तब ए कंडीशन फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन है। अब मान लीजिए सी यहाँ पर मान लीजिए वन है, सी इक्वल टू वन एंड डी मान लीजिए यहाँ पर जीरो, तो वन स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ पर सी इक्वल टू वन एंड डी इक्वल टू जीरो ले लीजिए। तो दोस्तों, डायरेक्ट आप इसमें आप वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए ए डी माइनस बी सी है, तो ये यहाँ पर वन है एंड डी यहाँ पर देखिए जीरो, वन इंटू जीरो माइनस बी इंटू सी, बी वन सी वन बी इंटू वन इंटू वन इसका होल स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी डी, ए इंटू सी वन इंटू वन प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस है, माइनस बी इंटू डी, बी वन एंड डी जीरो इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर वन इंटू जीरो जीरो होगा यहाँ पर, तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर होगा तो वन ही आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए वन का स्क्वायर होगा ये जीरो हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर वन, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो टू आपका आंसर है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज। तो इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए, अगर एक्स का यहाँ पर जीरो लेंगे और वाई का जीरो एंड जेड का अगर जीरो लेंगे, तो देखिए यहाँ पर वाई यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वाई जीरो नहीं ले सकते। अब देखिए वाई जीरो नहीं लेंगे तो यहाँ पर सबका चेंज कीजिए, मान लीजिए एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू वन, तीनों का इक्वल, तीनों का ही वन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स यहाँ पर वन करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, देखिए एक्स वाई वन इंटू वन वन होगा प्लस वाई जेड, तो वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, तो यहाँ पर आपका आ गया वन प्लस वन प्लस वन इक्वल थ्री इक्वल टू थ्री। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू वन ले सकते हैं। अब देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में एक्स प्लस जेड अपॉन वाई है, तो एक्स यहाँ पर वन एंड जेड यहाँ पर थ्री, सॉरी दोस्तों जेड यहाँ पर वन लिया गया है एंड वाई भी यहाँ पर वन, वन प्लस वन अपन वन इक्वल टू टू, जो कि आपका आंसर होगा।
और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप टू भी ले सकते, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए टू कर लेंगे, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू टू। अब देखिए टू स्क्वायर होगा फोर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर टू स्क्वायर फोर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर टू स्क्वायर फोर इक्वल टू एक्स इंटू वाई टू इंटू टू प्लस वाई इंटू जेड टू इंटू टू एंड जेड इंटू एक्स टू इंटू टू। अब देखिए फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व इक्वल टू फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व, तो ये भी एक्स भी एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू टू ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर टू प्लस सॉरी दोस्तों एक्स प्लस जेड है, तो टू प्लस टू अपॉन टू, तो यहाँ पर फोर अपॉन टू एंड टू आपका आंसर होगा। तो दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे, तो चलिए। और क्वेश्चन नंबर थ्री में है इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एट्टीन सॉरी दोस्तों एट्टी एंड ए माइनस बी इक्वल टू एट, देन द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है एट्टी और ए माइनस बी है एट। तो यहाँ पर देखिए ए का मान अगर आप नाइन लेंगे तो नाइन का स्क्वायर एंड बी का मान अगर वन लेंगे वन का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए अब नाइन का स्क्वायर हो गया एट्टी वन एंड वन का स्क्वायर माइनस वन, तो एट्टी आ रहा है। तब ये दोस्तों ए इक्वल टू नाइन एंड बी इक्वल टू वन ले सकते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में सेम हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए नाइन माइनस वन करेंगे तो ये भी एट आ रहा है, तो ए इक्वल टू नाइन एंड बी इक्वल टू वन ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका एवरेज निकालना है, देन द एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर एवरेज है नाइन प्लस वन अपॉन टू करेंगे, तो यहाँ पर टेन अपॉन टू इक्वल टू फाइव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड और बी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस सी अपॉन सी प्लस सॉरी दोस्तों जेड अपॉन सी प्लस जेड इज, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड और बी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसमें दोस्तों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों का मान वन ले लीजिए। अब देखिए वन लेंगे तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा वन इक्वल टू, यहाँ पर बी वन है तो y प्लस जेड बचेगा, y प्लस जेड इक्वल टू वन एंड यहाँ पर देखिए b यहाँ पर वन होगा, वन इक्वल टू जेड प्लस एक्स होगा जेड प्लस एक्स एंड यहाँ पर c इक्वल टू वन है तो यहाँ पर वन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए y प्लस जेड वन है, जेड प्लस एक्स वन एंड एक्स प्लस वाई वन है, तो यहाँ पर y इक्वल टू वन अपॉन टू हाफ एंड z इक्वल टू वन अपॉन टू हाफ, तो वन अपॉन टू हाफ हाफ वन हो रहा है एंड इस कंडीशन में भी वन अपॉन टू होगा वन अपॉन टू, z यहाँ पर वन अपॉन टू, x यहाँ पर वन अपॉन टू और यहाँ पर x प्लस वाई वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू होगा क्योंकि दोनों मिला के वन है। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए x यहाँ पर कितना, x यहाँ पर वन अपॉन टू अपॉन ए प्लस एक्स, ए यहाँ पर वन है वन प्लस वन अपॉन टू प्लस यहाँ पर y है वन अपॉन टू हाफ एंड b प्लस वाई बी वन प्लस वन अपॉन टू एंड यहाँ पर भी वन अपॉन टू अपॉन वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टू होगा। और दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो थ्री अपॉन टू आएगा, तो वन अपॉन टू इंटू थ्री टू अपॉन इसको उल्टा देंगे टू अपॉन थ्री
प्लस इसी तरह से 1/2 × 2/3 इसी तरह से भी आएगा प्लस 1/2 × 2/3 एंड 2 सभी में कैंसिल एंड यहाँ पर 1/3 + 1/3 + 1/3 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा जो कि आपका आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोज़ देखने के लिए।